पर्सनलिटी में खुशामदीद। दोस्तों आज हम इब्राहिम हैदरी में ही बैठे हुए हैं, लेकिन एक नई जेटी है जो अभी प्रोसेस में है, इसको सफियानी कारियानी की जेटी कहा जाता है। ये बन रही है, अभी मैं आपको इनका लुक भी दिखाऊंगा। तो मैं और अयूब सर एक कश्ती में बैठे हुए हैं। वैसे तो हम ज़मीन पर बैठते हैं, जेटी पर बैठते हैं, लेकिन आज एक छोटी सी कश्ती है उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। सिंधी में जिसको बोलते हैं फुलबड़ियों, ये है फुलबड़ियों। अयूब सर लाया है अपने मोहल्ले से, जो बजा पकौड़ा वाली होती हैं वही इनको जो है तलती हैं तेल में। और ये एक डिश होती है हमारे यहाँ, मशहूर डिश होती है, इसको हम फुलबड़ियों बोलते हैं। तो ये कभी कभी अयूब सर जो है अपने मोहल्ले वाले से लाता है और यहाँ ये हमें काफ़ी मज़ा देती हैं। तो हम इसको भी इंजॉय कर रहे हैं और इस नई जेटी को भी इंजॉय कर रहे हैं। इस नई जेटी के साथ साथ जामत अदीर जो है उसकी भी नई जेटी यहाँ से निकल रही है, वो काफ़ी उसका काम तेज़ी से जा रहा है, तो वो बाहर निकल गई है। बाकी ये जेटी जो है इसका काम थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस पे है, तो जब इनके पास पैसे होते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कर देते हैं। इस जेटी की मुझे अच्छी जो बात लगी वो ये है कि ये अभी मैं आपको ज़मीन का लुक भी दिखाऊंगा, जो ज़मीन है यहाँ जेटी पे, उसमें जो छोटी खेकड़े होते हैं छोटे, जिसको हम कुकी बोलते हैं, जिसका एक डांठा जिसको हम बोलते हैं, बाजू जिसको बोलते हैं, वो वाइट होता है और वो बड़ी मशहूर होती थी होती हैं। ये पहले बहुत इब्राहिम हैदरी की जो किनारा है उसमें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये क्योंकि गटर वगैरह ये सारा कुछ हो गया है, तो ये छोटी सी सफ़ेद डांटे वाली कुकी जो है ये ख़त्म हो गई है। लेकिन उसका अभी भी लुक जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप खुद से कैमरा हटाऊँगा तो उनका भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये हमें अच्छा लगा कि वो पुरानी चीज़ें जो है वो यहाँ हमें देखने को मिली हैं, स्पेशली ये जो सफ़ेद डांटे वाली कुकी है वो हमें देखकर बड़ी खुशी हुई है कि वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारी कश्तियाँ जो है यहाँ बन भी रही हैं, बहुत सारी पुरानी कश्तियाँ यहाँ खड़ी भी हैं। तो अच्छी जेटी है, अच्छा नज़ारा है। ये नज़ारा जो है मैं आपको अभी कैमरा के थ्रू दिखाऊंगा। कुकियाँ जो होती हैं, जो केकड़ा है छोटा सा, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल कोस्टल टीवी पाकिस्तान के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इस जेटी का लुक भी दिखाता हूँ। आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल कोस्टल टीवी पाकिस्तान के साथ। थैंक यू।